वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड आई नो मैं व्लॉग बहुत ही लेट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल के लिए जो इमरजेंसी हो गई थी वो मेरा ये जो फोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो फिलहाल के लिए खराब हो चुका था, उसको मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था। और जो न्यू फोन है वो होपफुली बहुत ही जल्दी, कमेंट में लिख के बताओ कि मैं कौन सा फोन ले सकता हूँ न्यू, और व्लॉगिंग के लिए अच्छा फोन कौन सा रहेगा अराउंड 40,000 तक, उससे ज्यादा नहीं। कमेंट में प्लीज मेरे को हेल्प कर सकते हो आप, तो प्लीज हेल्प करो, बताओ कौन सा फोन मैं ले सकता हूँ। और आज का ये व्लॉग बेसिकली रहेगा, मेरा बर्थडे आने वाला है उसके लिए मैं और मेरा भाई और सृष्टि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए मॉल में, दहीसर में, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, बाजू में जा रहे। सो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो अभी मेरे साथ भाई है, और जो इस चैनल पे न्यू है उनको सृष्टि अगर नहीं मालूम तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो अभी चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और इसके साथ मैं और हर्षु अभी निकल रहे हैं यहाँ से, वैसे मेरे भाई छोटे भाई का नाम हर्ष है, सो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फिर सृष्टि को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मॉल में। बाय। सो फाइनली गाइस हम लोग मॉल में पहुंच गए हैं, और ये है सृष्टि जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला था पब्लिक को। हाय बोलो, नई पब्लिक है जो अगर देख रहे तो भी, हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करते फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोगों ने फाइनली हम लोग यहाँ पर आए थे कपड़े लेने, सो कपड़े में यहाँ पर कुछ दम नहीं था, तो कपड़ा पसंद आया। कौन से वाले कपड़े पसंद है? जूम जूम बहुत सारे। कौन से? तुम्हारे लेडीज के? मेरे को क्यों नहीं जाता? तुमको तो पसंद नहीं आता ना, तुम कभी सोच मेरे टाइप की नहीं थे, मेरे टाइप के नहीं थे। सो वो कट मार दिए हम लोग, और फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये शूज़ लेंगे डेकैथलॉन से, एंड उसके बाकी का मैं घर पे जाके बताऊंगा। अभी हम लोग चाहते हैं उसको मिलिंग के लिए। सो गाइज अभी के लिए हम लोग घर पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी मम्मी को शूज़ दिखाएंगे, फिर जो मेरी नई बाइक है उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये नाम है, इसमें फॉलो कर लो, तब तक के लिए मम्मी को दिखाता हूँ। सो गाइज जैसे कि आप मेरे पीछे जो बाइक देख सकते हैं, मुझे पता है कि मैंने वापस रेड कलर में बाइक लिया है, मगर ये रेड अलग है। सृष्टि यू मे शो द बाइक इन सिनेमैटिक। फिलहाल के लिए ये अभी मेरी फैमिली की बाइक है, मेरी बाइक को आने में अभी बहुत टाइम है। आई नो मैंने अगस्त में प्रॉमिस किया था कि राइड मैं शुरू करूंगा, बट फिलहाल अभी इसके साथ काम चलाते हैं। मेरी बाइक जब आ जाएगी तो लॉन्ग राइड पर जाएंगे, अभी इसके साथ राइड का मज़ा उठाएंगे। एंड चलो फिर हम लोग अभी बाहर पेट पूजा करने जा रहे हैं, सो लेट्स सी चलना है। सो गाइज मैं अभी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, सृष्टि यहाँ पर आप साइलेंसर के आवाज़ अच्छे से साइलेंस आ गया ना, पब्लिक नीचे आ जाएगी। चल कट कर चल। या सो गाइज एज आई सेड कि मैं घर पे आके इन शूज के बारे में प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज मैंने ये शूज लिया है डेकेथलॉन से अराउंड 1400 का, एंड ये वाटरप्रूफ तो नहीं है। इसमें का जो दूसरा वर्जन आता है वो वाटरप्रूफ भी होता है, और ट्रैकिंग का इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, रनिंग शूज एंड ऑल। ये आई डोंट नो कौन सा वर्जन है, बस मुझे अच्छा लगा, सस्ते में था तो मैंने ले लिया। ट्रैकिंग का ये नहीं, ट्रैकिंग का नहीं, आई डोंट नो ट्रैकिंग का शायद। सो ये वाटरप्रूफ सिर्फ 2% है, मतलब ज्यादा वाटरप्रूफ नहीं है, पानी अंदर जा भी सकता है। और जो वाटरप्रूफ आता है वो 4000 तक का आता है। सो ये 1400 में अच्छा सुंदर टिकाऊ और मजबूत सा शूज आपको डेकेथलॉन में मिल जाएगा,
कोई भी डेकेथलॉन में जाओ और आपको ये शूज आसानी से मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई नो ये वीडियो बहुत ही बोरिंग सा है, सो मेरा आप पहले का व्लॉग्स देखो, ट्रैवल व्लॉग्स देखो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट बट राइट थिंग्स।